दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में लघुचाप घनीभूत होती पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में अवपात रूप नहीं परवर्ती समय यह पश्चिम उत्तर पश्चिम गति अधिक घनीभूत हो बुधवार संध्या सुधा दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर अंचल सामुद्रिक झड़ में परिणत हो पाए 8 तारीख बेलू पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे पुणी गति करी उत्तर तमिलनाडु पुडुचेरी एवं यार पार्श्ववर्ती दक्षिण आंध्र प्रदेश उपकूल आड़ को मुहांवा संभावना रही भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि संभाव्य बात्यार नाम मांडस रही यार नामकरण यूई करिछि तेबे संभाव्य बात्यार सीधा सड़क प्रभाव राज्य उपरे पड़िबो नै किंतु बात्यार महाबल जड़ित मेघ समूह प्रभाव में दक्षिण ओडिशा रे मालकानगिरी कोरापुट रायगढ़ नवरंगपुर कलाहांडी और कंधमाल गंजाम और गजपति जिलार विभिन्न स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा होगा संभावना रही आसंता 10 तारीख में यही सब जिले में वर्षा होने सतर्क सूचना जारी करी भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र बाकी जिले में पाग शुकिला रहिबो बोली पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कह इतिम्य रातिर तापमात्रा 2-3 डिग्री पर्यंत कमी राज्य सर्वनिम्न तापमात्रा सबुठ कम कोरापुट एवं सिमलीगुड़े 9.5 डिग्री लेखाएं रेकर्ड होता बेले किरोई 10 डिग्री झारसुगुड़ा 11.2 डिग्री भुवनेश्वर 15.7 डिग्री एवं कटक 16 डिग्री पारद रेकर्ड हो आगामी 3 दिन जाए राति तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन होबार संभावना नहीं परवर्ती 2 दिन मध्य संभाव्य बात्या जो राज्य राज्य मध्य को सामुद्रिक वायुर मात्रा वृद्धि सह राति तापमात्रा 2-3 डिग्री जाए वृद्धि होब एवं शीत प्रकोप कमी पारे